दोस्तों स्वागत है आप सभी को प्रेमेशम प्लेन पर और आप सभी देख रहे हैं प्रेमेशम प्लेन आज का हमारा जो मॉडल है दोस्तों वह है हमारा आज का मॉडल 24 फीट बाय 23 फीट के अंदर जी हाँ दोस्तों ये 24 फीट बाय 23 फीट के अंदर एक बेहतरीन सा हमने टू स्टोरी एक हाउस प्लान आप सभी के लिए तैयार किया हुआ है आपको कैसा लगा कॉमेंट में आप जरूर बताना दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दीजिएगा और साथ में आए हुए नोटिस के बेल आइकन को भी दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा इसमें यह होगा कि हम कोई डिज़ाइन और प्लान रिलेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड करें और उसका नोटिस आपको मिल जाए हो सके वो आपका ड्रीम हाउस प्लान भी हो सकता है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले तो चले चलते हैं आज के टॉपिक पर आज का हमारा टॉपिक है चौबीस फीट बाई तेईस फीट के अंदर जी हाँ दोस्तों ये ट्वेंटी फिर बाई ट्वेंटी थ्री फीट के हाउस प्लान आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे एलिवेशन देख लीजिए काफ़ी सिंपल सा एलिवेशन है और वेलकनी हमने इस घर में डिज़ाइन किया हुआ है आप देख पा रहे बैलकनी का जो लुक आने वाला है दोस्तों कुछ इस तरीके से आने वाला है आपको मैं जुम आउट करके बैलकनी का डिजाइन दिखा दे रहा हूँ और इस साइड का जो एलिवेशन आप देख पा रहे होंगे ये एलिवेशन का हमारा पार्ट है डिजाइनिंग का पार्ट है और इस साइड का विंडो जो है हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है काफी सिंपल में काफी बेहतरीन सा लुक हमने इस घर को दिया हुआ है तो दोस्तों चलिए चलते इसके ग्राउंड फ्लोर की ओर ग्राउंड फ्लोर पर देख लीजिए आप कहीं से भी आते हैं दोस्तों सबसे पहले ये जो प्लॉट था आपका जो इस घर का प्लॉट था वह था आपका 24 बाई तेईस फीट का लेकिन हमने फ्रंट साइड की ओर आप तीन फीट चौड़ाई पर स्पेस देख पा रहे होंगे और इस साइड की ओर आपको तीन फीट चौड़ाई पर स्पेस हमने छोड़ा हुआ है ताकि घर में विंडो वगैरह का यूज अच्छे से कर पाए और वेंटिलेशन में कोई दिक्कत ना हो और साइड पर जो रिक्वायरमेंट जिनका था सब्सक्राइबर वो साइड पर छोटा सा गार्डन करना चाहते तो उसी कारण हमने तीन फीट चौड़ाई पर छोटा सा स्पेस छोड़ दिया हुआ है काफ़ी छोटा सा प्लॉट के भी और दोस्तों यहाँ पर आपका गेट हमने दिया हुआ है जिस गेट से एंट्री करके जाते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो तीन फीट चौड़ाई पर स्पेस हमने छोड़ा हुआ था वो बैल्कनी में फर्स्ट फ्लोर पर हमने बैलकनी के लिए छज्जा बाहर की ओर बढ़ाकर बैलकनी के उस पर लिया हुआ है तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर एक गेट रहेगा उसके बाद ये तीन फीट चौड़ाई पर आपको स्टेप आएगा उसके बाद यहाँ पर दस बाय तेरह फीट का एक कार पार्किंग आपको मिल जाएगा और इसी कार पार्किंग से होते तो हुए आपको यहाँ पर एक डोअर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे यहाँ पर ये रहेगा आपका चार बाय पाँच फीट का एक छोटा सा गैलरी इसी गैलरी से ही आपको देख लीजिए यहाँ पर एक डोअर देखने को मिलेगा इस साइड की ओर तो जिससे एंट्री करके जाएंगे तो फ्रंट साइड की ओर रहेगा आपका एक बेडरूम छोटा सा या गेस्ट रूम जो भी आप करना चाहे जिसका साइज आने वाला है दोस्तों इसका साइज आएगा आपका इलेवन इंटू एट फीट के अंदर और उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए इस साइड की ओर इसी गैलरी से इस साइड की ओर ओपन पर सात फीट चौड़ाई पर सात बाय सात के अंदर हमने ये किचन का स्लैब डिजाइन किया हुआ है सात बाय सात फिट के अंदर और इसका जो चौड़ाई रहेगा वो रहेगा सात फीट और इस साइड की ओर आप देख लीजिए जो गैलरी था उसी गैलरी से बीच पर आपको एक डोअर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे तो ये आपका रहेगा एक लेट बाथ कंबाइंड में एक साथ जिसका साइज आने वाला है सात बाय पांच फीट के अंदर ऐसे करेंगे तो सात बाई पांच फीट का ये लेट बाथ आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमने सात फीट चौड़ाई पर जीना को चढ़ाया हुआ है कुछ इस तरीके से घुमावदार तरीके से यू सेप पर तो आप इस जीने से होते हुए ऊपर की ओर जाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले आप इसके फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे ये रहेगा आपका फर्स्ट फ्लोर का व्यू फर्स्ट फ्लोर पर आप यहाँ पर आएंगे इस जगह पे आने के बाद आप देख लीजिए जो किचन था ग्राउंड फ्लोर पर साउथ सात फीट चौड़ाई पर उसी किचन के ठीक ऊपर हमने यहाँ पर सिटिंग एरिया अरेंजमेंट किया हुआ है आप अपना सोफा वगैरह रख के अच्छे से डेकोरेटिंग करके यहाँ पर अपना सिटिंग एरिया कर पाएंगे उसके बाद सेम जो ग्राउंड फ्लोर पर था सेम सेम डिजाइन सेम एलिवेशन यहाँ पर भी लुक देखने को मिलेगा वही आपका चार बाई पांच फीट का गैलरी आएगा जिससे आकर आपको यहाँ पर जो डोर देख रहा होगा इससे एंट्री करके जाएंगे तो जो ग्राउंड फ्लोर पर कार पार्किंग था उसी के ऊपर सेम साइज़ पर दस बाई तेरह के अंदर हमने एक बेडरूम डिजाइन किया हुआ है फर्स्ट फ्लोर पर उसके बाद सेम रहेगा यहाँ पर जो डोअर यहाँ पर से ही रहेगा और इस डोर से एंट्री करके जाएंगे तो ये बेडरूम रहेगा जिसका साइज आएगा ग्यारह बाई आठ फिट का और उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा और एक डोर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे तो ये सात बाई पाँच फिट का आपका लेट बाथ कॉम्बाइंड में रहेगा आप चाहे तो इस रूम से अटैच करना चाहे तो भी कर पाएंगे और उसके बाद जो ये आपका कार पार्किंग के ऊपर जो बेडरूम आएगा दस बाई तेरह का उसी से आपको यहाँ पर फ्रंट साइड की ओर एक डोर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके बाहर की ओर आएंगे दोस्तों यहाँ पर तो ये आपका बैलकनी रहेगा बैल्कनी जो हमने तीन फीट छज्जा बाहर की ओर बढ़ाया हुआ है लेकिन जो प्लॉट था उसी प्लॉट पर जैसे कि आप यहाँ पर मॉडल देख पा रहे होंगे इस बैलकनी में आप पहुँच पाएंगे उसके बाद आपको उसी झीने से होते हुए ऊपर की ओर जाते तो आप देख लीजिए आप यहाँ पर पहुँचेंगे इस जगह पे और ये वाला एंट्री डोर से एंट्री करके बाहर की ओर आएंगे तो आपका छत में आप पहुंच पाएंगे ये रहेगा आपका छत और इसका टॉप जो व्यू आने वाला है दोस्तों का व्यू कुछ तरीके से आने वाला है तो दोस्तों यही था आज का हमारा सिंपल सा छोटा सा मॉडल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद